हेलो स्टूडेंट्स, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की पहली वीडियो हमने बनाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है। वो आपने अच्छे से देखा होगा और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में इसी का सेकंड जो है न्यूटन का सेकंड लॉ बताने वाले हैं। इसको आप अच्छे से देखिएगा और खूब अच्छे से आप इसको देख कर अपने आप जरूर पढ़िएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम रही हो तब भी तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए, तभी आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट आउट होगी और आपको साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। और मेरी सारी वीडियोस जो है जो साइंस और मैथ्स पे मैंने बनाया है, तो इसको पोटेंशियल मैथ्स चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 10th की भी है, 9th की, 8th की, 7th की, सभी हमने डाली है वीडियो सभी क्लास के लिए। तो आप साइंस और मैथ्स की वीडियो देखने के लिए पोटेंशियल मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन ये क्या है बेटा। पहले आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताइए बेटा क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बेटा, इनर्शिया का होता है। मतलब जो भी वस्तु है, जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। और जो वस्तु बेटा, जो ऑब्जेक्ट मूविंग में है, वेलोसिटी तो मूव कर रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी वो उसी वेलोसिटी से मूव करते रहना चाहती है। वो उस वेलोसिटी को ना तो कम करना चाहती है और ना तो ज्यादा, वो दोनों का ही अपोज करती है। यही जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। मतलब सभी ऑब्जेक्ट में ये टेंडेंसी होती है कि वो जिस अवस्था में है, जिस स्टेट में है, वही वैसे ही वो रहे। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, और अगर वो मूविंग अवस्था में है तो मूविंग अवस्था में रहना चाहते हैं। इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम इनर्शिया कहते हैं बेटा। ये जैसे कि अगर आप जैसे टेबल पे, अगर आपके पास क्या रखा हुआ है बेटा, यहाँ पर कप रखा हुआ है, तो जब तक हम उसको हाथ से फोर्स लगा के उठाएंगे नहीं, उसका प्लेस चेंज नहीं होगा। तो ये आपका क्या हुआ बेटा, इनर्शिया। यानी कि वस्तु पर जब तक कि बाहर का फोर्स नहीं लगाया गया, उसकी अवस्था को चेंज नहीं किया जा सकता है, उसके रेस्ट को नहीं चेंज किया जा सकता है। जैसे कि कोई साइकिल है, वो इस समय खड़ी है, तो आप उस पर पैडलिंग करेंगे तब उसको क्या करेंगे, वेलोसिटी देंगे, तब वो मूव करेगी। इसका मतलब क्या है बेटा कि रेस्ट से उसको मूविंग अवस्था में लाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा। तो फोर्स से ही क्या कर सकते हैं, इनर्शिया को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई साइकिल है वो चल रही है, तो अपने आप वो चल अगर चल रही है जब, तो वो कभी भी अपने आप नहीं रुकेगी जब तक कि आप उसमें क्या नहीं करेंगे, ब्रेक नहीं लगाएंगे। ब्रेक लगाएंगे उस पर फोर्स लगाएंगे, मतलब तो जब आप फोर्स लगाएंगे उसके रुकने का, तब वो रुकेगी। इसका मतलब क्या है, सभी वस्तु क्या करती है, इनर्शिया को फॉलो करती है। इनर्शिया मतलब जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। इसका हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स में बताए थे। जैसे कि अगर कोई जैसे कार में बैठा है, तो जो कार चलती हुई कार जब चल रही है, तेजी से वो चल रही है, तो जब अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर गिर जाते हैं। आप देखते होंगे कि आपकी जो सर वाली ऊपर वाली जो बॉडी है वो क्या होती है, आगे की ओर झुक जाती है। तो आगे की ओर जैसे ही ब्रेक लगती है, वैसे आगे की ओर क्यों झुक जाती है, इसलिए झुक जाती है कि कार तो रुक गई पर आपकी बॉडी अभी विरोध कर रही है, अपोज कर रही है रुकने का। वो चाह रही है आपकी उसी स्पीड से चले, यही इनर्शिया है। ठीक है, कि वो मूविंग अवस्था में आ चुकी है तो मूव ही करते रहना चाहती है, तो बॉडी तुरंत जैसे ही उसको ब्रेक लगाया गया तो वो आगे की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे कि अगर आप अगर वो रुक गई है, जैसे कि ट्रेन रुकी हुई है और आप आराम से बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, अचानक जैसे ही ट्रेन चलती है, तो आप इस समय किस में है बेटा, विराम अवस्था में है, आप इस समय रेस्ट में है। जैसे ही ट्रेन अचानक से स्पीड पकड़ती है, अगर तेजी से चलती है, तो क्या होता है, आपकी जो बॉडी वो पीछे की ओर झुक जाती है, तब आगे नहीं झुकेगी। जब ट्रेन अचानक आगे चलेगी तो बॉडी पीछे झुक जाएगी, पीछे की ओर धक्का लगेगा। क्यों बेटा, आपकी पूरी बॉडी पीछे की ओर क्यों जाएगी, इसलिए जाएगी बेटा क्योंकि वो उस समय भी क्या करेगी, अपोज करेगी। अब वो चलने का क्या करेगी, अपोज करेगी, क्यों, ट्रेन स्टार्ट हो रही है, वो अभी भी पीछे रहना चाहती है, मतलब रेस्ट में ही बॉडी रहना चाहती है। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, तो इस वाले में हम आपको बताते हैं बेटा कि इनर्शिया और मास में रिलेशन क्या होता है बेटा। तो बेटा इनर्शिया और मास क्या होता है बेटा, ये आपका प्रोपोर्शनल होता है। इनर्शिया और मास कैसा है बेटा, प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है, इनर्शिया बढ़ता जाता है, और जैसे मास कम होता है, इनर्शिया भी क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। जैसे कि अगर आपको
साइकिल को रोकने में आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स कम लगाना पड़ेगा, उसका वेट कम है तो उसका क्या होगा बेटा, इनर्शिया कम। पर अगर आपको ट्रेन रोकना होगा तो आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ट्रेन को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका क्या ज्यादा है, मास ज्यादा है। तो इनर्शिया और मास, इनर्शिया और मास कैसे बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हैवी मास अगर है, जितना ज्यादा हैवी मास है उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, वो उस स्टेट में उतना ही ज्यादा रहना पसंद करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपके मेज पर 50 किलो का आटा का बोरा रखा है तो आप उसको जब हटाएंगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि वह उसी स्थिति में रहना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। पर अगर आपके टेबल पे बेटा एक हल्की मास की वस्तु रखी, जैसे कि एक बुक रखी है वो कि 1/2 kg के, तो उसको आप आसानी से उठा सकते हैं, उसका इनर्शिया क्या है बेटा, कम है। पर अगर आपके पास आटे की बोरी रखी है 50 किलो की है वो, तो क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, 5 kg होने के कारण उसका वेट क्या है, ज्यादा है, तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो हैवियर मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर इनर्शिया, मतलब जितना ज्यादा हैवी होगा बेटा, जितना ज्यादा आपका क्या होगा, हैवी होगी ऑब्जेक्ट, तो उसका क्या हो जाएगा बेटा, लार्ज इनर्शिया होगा। ठीक है, तो इनर्शिया होता क्या है, हमने आपको बताया था फर्स्ट लॉ होता है, इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। इनर्शिया एक नेचुरल टेंडेंसी है कि सभी वस्तुएं जो है क्या करती है, अपने पुराने स्टेट में रहना चाहती है और नए अवस्था का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, अगर वेलोसिटी उसकी है तो वो उसी वेलोसिटी से चलते रहना चाहती है, उसको तेज करने में भी उसको विरोध करेगी और क्या करेगी, उसको कम करने में भी वो अपोज करेगी। ठीक है, तो इनर्शिया क्या हमने आपको बताया था, मास जैसे ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है। जैसे कि ये है, ये देखिए बेटा, दो यहाँ पर है लॉट, एक देखिए ये बड़ा है और इसका मास बहुत ज्यादा है, और ये क्या है बेटा, छोटा है ये वाला बॉडी, तो क्या हो जाएगा, इसका इनर्शिया क्या होगा, कम होगा, और इसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, वैसे ही देखिए ये आपकी ट्रॉली है ना बेटा, इस ट्रॉली में देखिए 10+2 12 kg का वेट रखा है। ठीक है, और ये देखिए ट्रॉली है फिगर ए में, तो फिगर ए में जो ट्रॉली है वो 10 kg और 24 kg, तो इसका वेट कितना हो जाएगा बेटा, 34 kg। तो इसको अगर आप धक्का देके चलाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई छोटा सा बच्चा भी इसको धक्का देके चला लेगा, ठीक है ना, 10 साल का। पर इसको जो है 34 kg जब वेट है ट्रॉली का, तो इसमें फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा इसके बनिस्बत। ठीक है बेटा, क्योंकि बताया है आपको कि इनर्शिया किसका ज्यादा होता है, हैवी मास का होता है। वैसे ही जैसे कि अगर इसको हम क्या करेंगे बेटा, पुश करके धक्का देके जैसे मूविंग पोजिशन में करेंगे, तो इसमें सैंड से भरा हुआ ये बाल्टी और ये बाल्टी खाली है, तो इसको मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन देने के लिए हमको इसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और इसका क्या करना पड़ेगा, कम फोर्स। तो इसका इनर्शिया क्या है बेटा, ज्यादा, क्योंकि मास ज्यादा है, और ये खाली बाल्टी का क्या है, मास कम है, इसका इनर्शिया क्या है, कम है बेटा। तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन जो है सेकंड पढ़ने के लिए, इनर्शिया आपने जान लिया और मास का रिलेशन जान लिया, अब आपको ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या है सेकंड लॉ से पहले। ठीक है बेटा, तो मोमेंटम हम आपको बताते हैं बेटा, ये मोमेंटम क्या है बेटा, मोमेंटम जो है बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम पी से डिफाइन किया जाता है, और ये पी जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी होती है। ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। तो ये मोमेंटम जो है ये कैसी क्वांटिटी हो गई बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है बेटा, कि साइंस की वो सभी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, क्या होता है बेटा, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, तो देखिए बेटा मास का क्या होता है, मास का तो होता है किलोग्राम, और ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट। तो इसका पूरा हो गया बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि किलोग्राम तो आपका उसका हो गया, किसका हो गया, ये आपका मास का, और ये मीटर पर सेकंड किसका हो गया बेटा, वेलोसिटी का हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, पर आप लोग स्पीड भी जानते थे ना, जैसे पहले निकालते थे कि डिस्टेंस क्या होता है, तो हम लिखते थे स्पीड इंटू टाइम। तो ये अब आप ये बताइए कि वेलोसिटी और डिस्टेंस में, ये वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है, तो वेलोसिटी क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है बेटा, मतलब इसमें डायरेक्शन भी बताया जाएगा और क्या बताया जाएगा, मैग्नीट्यूड भी। जैसे हम कहेंगे कि एक जो है कार है
वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो 50 किलोमीटर जो पर आवर से चल रही है अगर हम बोलेंगे तो वो हो गई स्क्वेलर क्वांटिटी। पर हम कहेंगे एक कार 50 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, हमने डायरेक्शन बता दिया, एक कार 50 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो अब हमने कहा कार का क्या बताया हमने, तो अब हमने वेलोसिटी बताई है, मतलब वेलोसिटी में क्या है बेटा, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। और स्पीड में क्या होता है कि एक कार 50 किलोमीटर से जा रही है, 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, यही डिफरेंस है बेटा इन दोनों में, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ना स्पीड पहले क्लास में पढ़ा है, पर आप लोग को डिफरेंस कभी कभी नहीं पता रहता है, हमने पहले क्लियर कर दें। ये देखिए बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बेटा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है बेटा कि फोर्स जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बेटा, डेल पी अपॉन टी। तो पी क्या होता है, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का कितना चेंज जो हो रहा है, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये मतलब है कि ये एक सेकंड में जितना मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम हमने आपको इसीलिए पहले बता दिया, मोमेंटम किसे कहते हैं हमने आपको बताया है, मोमेंटम कहते हैं आपका एम इंटू वी, क्या हुआ बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी, एक सेकंड में जितना चेंज होता है, एक सेकंड में टी अगर क्या कर दिया जाए, वन सेकेंड, एक सेकेंड में जितना क्या होता है आपका चेंज होता है मोमेंटम, वो क्या होता है बेटा, फोर्स कहलाता है, ठीक है, वही क्या होता है, फोर्स कहलाता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को एफ इज इक्वल टू एम ए से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एफ क्या होता है बेटा, फोर्स, एम क्या होता है आपका मास, और ए क्या होता है एक्सीलरेशन, ठीक है। अब देखिए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब हम आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बताते हैं कि कैसे आता है। तो ये देखिए, अगर कोई वस्तु है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या है बेटा, एम है, ध्यान से सुनिए, एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास एम है, पहले तो वो यू वेलोसिटी से चल रहा था, ठीक है ना, जैसे कि कोई भी कार है वो पहले क्या कर रही है, 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, बाद में उसकी स्पीड बढ़ के क्या जाती है, 7 हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा, वी जो है वो बदल जाती है। तो एक एम है कार, जिसका क्या है, मास एम है, उसकी पहले की वेलोसिटी यू है, बाद की वेलोसिटी वी है, टी सेकंड बाद, ठीक है, टी समय बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी हो जाती है। एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, ए होता है यहाँ पर, और टी इसका टाइम है। तो ऐसे में बेटा डेल पी, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, पहले चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, तो ये चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी टू माइनस पी वन, ठीक है ना। तो पी टू माइनस पी वन इसका चेंज इन मोमेंटम होगा, डेल पी इज प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू। अब यहाँ पर आप देखिए बेटा कि इसका बताया गया है रेट, है ना, रेट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला जाता है, तो रेट मतलब इसको हम टी से डिवाइड कर दें, ठीक है, टी मतलब टाइम से। तो ये अगर हम क्या करेंगे बेटा, डेल पी अपॉन क्या कर दे बेटा, इसको टी से डिवाइड कर दे, इस प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा बेटा, एम वी माइनस एम यू, और किससे डिवाइड कर दे बेटा, टी से, ठीक है, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे जिससे इक्वेशन इक्वल रहे, इक्वेशन में चेंज ना हो। आगे हम इसको देखिए ऊपर सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, यही इक्वेशन जो है हम उतार रहे हैं, डेल पी, ठीक है, अपॉन क्या है ये टी, क्या बोला गया, रेट, रेट मतलब एक सेकेंड, रेट मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड में जितना चेंज हो, तो हमने टी से डिवाइड कर दिया। तो ये फिर आ गया बेटा एम वी माइनस एम यू, हम ये अभी वही इक्वेशन को उतार रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डेल पी अपॉन टी, तो यही रहा बेटा। अब ये जो है हम क्या कर सकते हैं इसमें बेटा, एम दोनों में है, तो एम हम इसका कॉमन अगर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचता है बेटा, वी माइनस यू, और ये क्या है, अपॉन टी, ठीक है। अब ये देखिए v माइनस यू अपॉन टी मतलब क्या है, वेलोसिटी में चेंज, t मतलब एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सीलरेशन। ये v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है बेटा, देखिए हम लिख देते हैं, ये a कहलाता है बेटा, v माइनस यू अपॉन टी, यही तो चेंज क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन, ये फार्मूला है ना। तो ये अपने फार्मूला को हमने अलग कलर से लिख दिया है कि आपको ठीक लगे, फिर पता चले। अब ये क्या है बेटा, यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है बेटा, ये जो है
ए है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। यहाँ देखिए डेल पी अपॉन टी, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू एम ए, ये देखिए फार्मूला आ गया, यानी कि एफ क्या हो गया बेटा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, ठीक है ना, ये क्या हो गया, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए। तो ये प्रोपोर्शनल का जब निशान हटेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एफ इज इक्वल टू के एम ए, ठीक है। तो के क्या है बेटा, के हमने अपने मन से माना था, दिस इज ए कॉन्स्टेंट। तो ये बेटा आपका क्या है, के क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। तो अब देखिए अगर एक किलोग्राम वस्तु पर, एक किलोग्राम के कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें एक मीटर पर सेकंड का, ये कितना लग रहा है एक्सीलरेशन, एक मीटर पर सेकंड का एक्सीलरेशन लग रहा है बेटा, और एक किलोग्राम की वस्तु है, और एफ भी क्या है बेटा, उसका फोर्स भी 1 न्यूटन का लग रहा है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर बेटा 1 लग रहा है आपका, ठीक है ना, 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है आपका, ठीक है। और ये क्या है बेटा, के है, और यहाँ पर ये क्या है, ये भी 1 kg है, ये क्या है 1 kg है आपका, और ये आपका क्या है एक्सीलरेशन भी क्या है बेटा 1 है, ठीक है ना, 1 मीटर पर सेकेंड का है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 1 1, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू 1। तो एफ का फार्मूला क्या हो गया बेटा, एफ इज इक्वल टू एम ए, दिस इंप्लाइज दैट बेटा कि एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है ना, ये आपका फार्मूला आ गया बेटा, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे आया, ठीक है। बस वही आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है बेटा, पी इज इक्वल टू एम वी, ठीक। तो ये फोर्स पे हम आ रहे हैं, ये फोर्स होता क्या है बेटा, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, मतलब अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया गया बल निकालना है, फोर्स निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होता है, उसी वस्तु का, उसी ऑब्जेक्ट का मास को एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो ये फोर्स जो होता है, ये इसका क्या होता है बेटा, यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसका तो होता है किलोग्राम, और इसका होता है बेटा, ए का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन भी कहते हैं, ठीक है ना, विच हैज द सिंबल एन, और इसका सिंबल क्या होता है बेटा, न्यूटन को हम किससे मेंशन करते हैं, एन से मेंशन करते हैं। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव अस द मेथड टू मेजर्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। सेकंड ये जो कहला रहा है बेटा, क्या है आपका सेकंड लॉ, तो ये सेकंड लॉ क्या बताता है, एफ इज इक्वल टू एम ए बताता है हमको, ठीक है ना, यही मेन जो है आपका, यही फार्मूला जो है, ये भी सेकंड लॉ है, इसको भी आप लिख सकते हैं, और जो पहले बताया था कि P अपॉन T इज प्रोपोर्शनल टू F, वो भी सही है, ठीक है ना, सेकंड लॉ दोनों से ही मेंशन होता है, पहले हमने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए, तो ये जो है F इज प्रोपोर्शनल टू PT, ये भी लिख सकते हैं, और या आप वो जो अभी हमने बताया है F इज इक्वल टू MA, दोनों ही क्या है आपका सही है। अब इसका देखिए फोर्स जो है, तो हमने बताया है कि फोर्स जो है वो m इंटू ए का क्या है, मल्टीप्लाई है, मतलब जैसे जैसे मास बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे मास बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे एक्सीलरेशन बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए, जब एक लड़की साइकिल चला रही थी, एग्जाम्पल देखिए बेटा, जैसे एक लड़की है साइकिल चला रही थी, तो इसका वेट कम था, ठीक है ना, अकेले चला रही थी, तो इसको पैडल पे, इस पैडल पे क्या लगाना पड़ रहा था बेटा, फोर्स जो है कम लगाना पड़ रहा था, ठीक है, पर जब इसके साथ एक और इसकी फ्रेंड बैठ जाती है, ठीक है ना, तो अब इस पूरी साइकिल का क्या हो जाता है, मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसका भी मास जुड़ेगा और इस लड़की का भी मास जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाता है, मास ज्यादा हो जाता है, तो अब इसको साइकिल चलाने के लिए वही फोर्स लगाएगी तो नहीं चला पाएगी उस स्पीड से, तो इसको क्या लगाना पड़ेगा, पैडल से फोर्स जो है ज्यादा लगाना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि मास क्या है, ज्यादा है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि मास बढ़ गया है तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए क्या बताया है कि जब 400 केजी का ये क्या है कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको अगर हटा रहा है, देखिए आदमी है ये हटा रहा है, तो इसको क्या करना पड़ रहा है बेटा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, पर ये जब क्या है बेटा, वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट जो है 40 केजी का है, तो इसको क्या करना पड़ रहा है, फोर्स बहुत कम लगाना पड़ रहा है, ये देखिए मेंशन कर रहा है कि ये जो है क्या है, ये बहुत बड़ा फोर्स लगा रहा है, और ये जो फोर्स लगा रहा है ये बहुत छोटा सा फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, ये फोर्स क्या है, बड़ा है, ये मेंशन कर रहा है कि एफ जो है वो क्या है, बड़ा है, एफ जो है वो क्या है, इधर वाला जो है फोर्स क्या है, बड़ा है बनिस्बत के इस वाले फोर्स से, ठीक है, छोटा है, इसको मान लेते हैं F1 से नोट कर देते हैं, ठीक है,
ये क्या है फोर्स बेटा, छोटा है, ये जो है फोर्स ज्यादा है। क्यों फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, एफ क्यों बड़ा है, क्योंकि इसका मास बड़ा है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए, पुश करने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए एक्सीलरेशन से संबंध बताया जा रहा है कि फोर्स जो है वो ए के भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे एक्सीलरेशन क्या होगा ज्यादा, एक्सीलरेशन क्या होगा ज्यादा, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा ज्यादा। यहाँ पर देखिए मास दोनों का सेम था, तो पहले इस वस्तु पे क्या था, देखिए फोर्स जब इन्होंने क्या किया बेटा, फोर्स कम लगाया तो एक्सीलरेशन कम हुआ, जब फोर्स बहुत ज्यादा लगाया तो एक्सीलरेशन ज्यादा, वस्तु ज्यादा दूर गई। ध्यान से देखिए, पहले इस आदमी ने क्या किया बेटा, इसी मास का था, दोनों में मास सेम था, तो इसने फोर्स क्या लगाया, कम लगाया, तो एक्सीलरेशन कम हुआ, ये वस्तु थोड़ी सी ही दूर गई। पर जब इस आदमी ने ज्यादा फोर्स, मोर फोर्स लगाया, बहुत ज्यादा फोर्स लगाया उससे, तो ये क्या हो जाएगी, वस्तु ज्यादा दूर जाएगी। ठीक है ना, ये मोर एक्सीलरेशन। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए, मतलब एफ जो है वो क्या होता है बेटा, एम और ए दोनों के ही प्रोपोर्शनल होता है, मास की और एक्सीलरेशन के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे मास बढ़ता है फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, जैसे जैसे एक्सीलरेशन बढ़ता है या एक्सीलरेशन बढ़ाना है तो फोर्स हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब ये देखिए बेटा क्या है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, ये आपको निकालना है, कैन बी मैथमेटिकली स्टेट ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब इसमें बताया गया है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है एफ इज इक्वल टू एम ए, इससे हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। रिलेशन होता है, मतलब देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है, अभी हमने बताया एफ इज इक्वल टू एम ए या पी अपॉन टी इज प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक है ना, तो ये जो है आपका एफ इज इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, इससे हमको फर्स्ट लॉ पे जाना है। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है तो हम ए को फिर डिफाइन करते हैं वी माइनस यू अपॉन टी, तो पता ही एक्सीलरेशन क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी होता है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये टी जो है इस साइड है इक्वल के, तो अगर ये राइट हैंड साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा, एफ टी यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, इस ब्रैकेट को खोल दिया बेटा। तो ये एम वी माइनस एम यू क्या होता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम आपको पता है क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, तो दिस इज चेंज इंटू क्या है, चेंज इन मोमेंटम इज डेल पी। अब इससे ही आपको किस में जाना है बेटा, फर्स्ट लॉ में। तो सपोज एफ टी, यहाँ पर देखिए हम इसको लिखते हैं यहीं से, ये है आपका बेटा एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको बेटा। ठीक है, अब ये जो है एफ टी, अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे, हमको फर्स्ट लॉ पे जाना है, फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स नहीं लगा रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, इफ एफ इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस टोटल इज जीरो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा एम वी, और माइनस ये क्या हो जाएगा एम यू के हो जाएगा। जब ये पूरा जीरो है तो हम इसको डिफाइन क्या कर सकते हैं बेटा, एम वी इज इक्वल टू एम यू। ठीक है ना, ये इक्वल के दूसरे साइड आ जाएगा एम यू, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू यू। यानी कि ये आपका क्या इम्प्लाई कर रहा है बेटा, ये इम्प्लाई कर रहा है कि वी इज इक्वल टू यू। वेलोसिटी किसके इक्वल है बेटा, बाद की वेलोसिटी पहली वेलोसिटी के इक्वल, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, बाद की वेलोसिटी वी थी, हमने आपको बताया ना बाद की वेलोसिटी क्या थी बेटा, वी थी, तो बाद की वेलोसिटी वी इज इक्वल टू यू आ गया, बाद की वेलोसिटी जब वस्तु की वी थी और वो यू के इक्वल है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। यानी कि जब तक हम कोई वस्तु पर, जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाते हैं, फोर्स जीरो रखते हैं, तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं की जा सकती है, जिस वेलोसिटी से है वो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो ऑलवेज रेस्ट में रहेगा, और अगर वो चल रहा है जिस स्पीड से तो चलता रहेगा, अगर ट्रेन चल रही है और वो चलती ही रहेगी, हमेशा चलती रहेगी, जब तक कि उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाए। ठीक है ना, जब तक कि हम उस पर ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करें, जब तक रिटार्डेशन नहीं करें, तब तक वो चलती रहेगी। तो क्या है, फोर्स अगर हम लगाएंगे, फोर्स इज जीरो, अगर हम किसी वस्तु पर फोर्स नहीं लगाएं तो v इज इक्वल टू यू, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट लॉ पे आ गए, दैट इज व्हेन f इज इक्वल टू जीरो v इज इक्वल टू यू, व्हाट एवर द टाइम इज t, मतलब t टाइम पर, जितने भी टाइम के बाद, जब तक हम उसमें नहीं लगाएंगे, जितने टाइम तक नहीं लगाएंगे फोर्स, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका,
वी यू के बराबर रहेगा। दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि उसकी वेलोसिटी वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो चल रही है। यू थ्रो आउट द टाइम टी, इफ यू इज जीरो देन वी इज ऑल्सो जीरो, और अगर यू की वैल्यू जीरो है, जैसे कि कोई वस्तु रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर बल नहीं लगाएंगे। अगर आपके आटे की बोरी यहाँ पे रखी है 50 kg की, तो हमेशा रखी रहेगी जब तक कि आप उस पर बल का प्रयोग करके कोई उसको उठाएगा नहीं, दूसरी जगह नहीं रखेगा, तो आप देखेंगे उसी टेबल पे या उसी उस जगह वो हमेशा रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगाए, वो अपने आप उठ के नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे उसका हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट की अवस्था को नहीं बदल सकते हैं। तो हम फर्स्ट लॉ पे आ गए, सेकंड लॉ फिजिकल टू एमएस से क्या आ गए बेटा, इनर्शिया पे आ गए, सेकंड लॉ पे आ गए, ठीक है। सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ये एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम आपको इसकी एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ आपको पता है बेटा, ये न्यूटन का सेकंड लॉ आपका क्या है बेटा, ये पी इज इक्वल टू एम वी इज इक्वल टू एफ टी, यही आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है, या पी इज इक्वल टू एम वी जो है मोमेंटम है, यहाँ पर ये क्या है, पी क्या है, मोमेंटम है बेटा, और एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो ये आपका जो है न्यूटन के सेकंड लॉ का आज हम आपको एप्लीकेशन बता रहे हैं। जैसे ये एक बच्चा है बेटा, तो वो रोड पे अगर एक्सीडेंट होगा उसका, एक ट्रक से या साइकिल से, तो आपको जनरली पता है कि किससे इसको ज़्यादा चोट लगेगी, तो कोई भी बच्चा बता देगा कि इसको जो है साइकिल से क्या होगा, चोट कम लगेगी, और इस ट्रक से क्योंकि ये हैवी है इससे इसको ज़्यादा चोट लगेगी। पर हम इसका साइंटिफिक रीज़न बता रहे हैं बेटा कि ये क्यों इससे ज़्यादा चोट लगेगी और इससे चोट कम क्यों लगेगी, क्योंकि बेटा इसका मोमेंटम जो है वो बहुत कम है, इस साइकिल का मोमेंटम क्या है बेटा, बहुत ही कम है, और इस ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा है, क्योंकि इस साइकिल का मोमेंटम हुआ m इंटू वी, वी इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू वी, तो इस साइकिल का मोमेंटम हुआ m इंटू वी, जो कि क्या हुआ, बहुत ही कम हुआ, क्योंकि इसका मास भी कम है और वेलोसिटी भी कम है, और इसका जो है मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा हुआ, क्योंकि इसका क्या है बेटा, मास भी ज़्यादा है और इसका क्या ज़्यादा है बेटा, वेलोसिटी भी ज़्यादा है, तो इसका मास और वेलोसिटी दोनों ही ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम ज़्यादा है, जब मोमेंटम ज़्यादा है तो इस बच्चे पर चोट इसकी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि फोर्स भी ज़्यादा हुआ, मोमेंटम, और ये देखिए ये है मोमेंटम पी और ये क्या है फोर्स, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा। तो अगर इस बच्चे का एक्सीडेंट इस ट्रक से होता है तो इसको ज़्यादा चोट लगेगी, और इस साइकिल से होता है अगर ये बच्चा बीच में खड़ा है तो उसको क्या होगी, चोट कम लगेगी। यानी कि जैसे अगर आप लोग साइकिल से, इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को बोला जाता है साइकिल चलाइए, छोटे छोटे बच्चों को साइकिल से क्या होगा, अगर वो गिरेगी तो चोट कम लगेगी, साइकिल से चोट कम क्यों लगेगी, क्योंकि उनका मास और साइकिल का मास भी मिलाकर क्या हो जाएगा, बहुत ही कम होगा, इन कंपेरिजन ऑफ अगर वो बाइक चलाएं 10 साल के बच्चे तो क्या होगा, उनको बहुत ज़्यादा चोट लगेगी, क्योंकि बाइक का क्या हो जाएगा, वेट जो है बहुत ज़्यादा होता है और वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उससे उनको क्या हो जाएगा, फोर्स, अगर उससे गिरेंगे तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, चोट ज़्यादा लगेगी, फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। इसीलिए जैसे कि कार से अगर आप लोग चलते हैं तो बोला जाता है कि धीमा ड्राइव कीजिए, धीमे स्पीड पर चलाइए, अगर आप उसको बहुत तेज स्पीड से चलाएंगे और पीछे से कोई भी बड़ा जो है कार या ट्रक से टक्कर हो गई एक्सीडेंटली, अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, आपको चोट बहुत ज़्यादा लगेगी अगर उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अगर स्पीड ज़्यादा रहेगी तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखिए ज़्यादा हो जाएगा, स्पीड ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा बेटा, मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा, तो मोमेंटम ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, चोट भी ज़्यादा लगेगी, फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा और बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। पर अगर आप उसको धीमी गति से और मतलब स्पीड जो है कम है, वेलोसिटी जो है कार की कम है, बहुत ही कम है, तो मोमेंटम उस कार का कम हो जाएगा, और जब मोमेंटम कम हो जाएगा कम, तो क्या हो जाएगा बेटा, आपको फोर्स भी कम लगेगा, ठीक है, चोट अगर उससे अगर एक्सीडेंट हुआ तो चोट क्या हो जाएगा, कम होगा। इसीलिए बोला जाता है, बड़े पेरेंट्स लोग सब लोग कहते हैं ना, सब लोग आप लोगों को जो आप लोग सब हैं ये 11th के स्टूडेंट 9th के स्टूडेंट जब चलाते हैं बाइक तो एकदम तेज स्पीड से चलाते हैं तो बोला जाता है धीमे चलाइए, क्योंकि अगर ऐसा कभी हुआ बाय चांस एक्सीडेंट तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, चोट आपको कम लगेगी, ठीक है। यही देखिए, अगर ये व्यक्ति जो है जब हाई जंप किया जाता है बेटा, तो हाई जंप में जो प्लेयर होता है उसके नीचे क्या बिछा दिया जाता है, गद्दा बिछा दिया जाता है, ठीक है, या जैसे सर्कस में जब ऊंचे ऊंचे ऊपर से उन लोग रस्सी पे कूदते हैं, या बहुत ऊपर जैसे उन लोग को उछाला जाता है, धागे से उछलते हैं, तो इन सब में उन लोग क्या करते हैं, डोर से उछलते समय नीचे जो है एक पर्दा लगा देते हैं या नीचे जो है गद्दे रख देते हैं, ऐसा किस लिए करते हैं कि बाई चांस अगर वो वहां से गिरेंगे तो तुरंत स्पीड क्या है, जीरो नहीं होनी चाहिए, अगर तुरंत जो है जमीन पे गिर जाएंगे, फर्श पर गिर जाएंगे, जहां
जहाँ की सीमेंटेड है या जहाँ पे मार्बल है तो क्या हो जाएगा, आपको चोट बहुत ज्यादा लगेगी अचानक स्पीड जीरो होने से। तो अगर नीचे गद्दे हैं तो जैसे ये गद्दे हैं तो क्या होगा, धीमे 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 क्या होगी स्पीड उसकी जीरो, वो धसेगा तो यहाँ पर जीरो नहीं होगी, वो यहाँ जाके जीरो होगी। गद्दा धीरे 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 उसको क्या होगा बेटा यहाँ पर जाके, तो या गद्दा जो है वो चौड़ा है तो या तो उसको गद्दे पे गिराते हैं या पर्दे पे गिराते हैं। तो पर्दा क्या होता है बेटा, चारों ओर पर्दा लगा दिया जाता है, पकड़ लेते हैं लोग या बांध देते हैं, तो वो धीरे 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 नीचे होता है। तो उससे क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती है और चोट सर्कस में करने वाले जो आदमी है उनको कम लगती है। जैसे हाई जंप में भी जब प्लेयर को उछाला जाता है बहुत ऊंची स्पीड से वो उछलते हैं, तो उछलने के बाद बेटा नीचे क्या रखा जाता है, या तो मिट्टी या रेत रखा जाता है या गद्दे लगाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उनके पैर में इंजरीज ना हो, चोट ना लगे, क्योंकि अगर अचानक बहुत तेजी से स्पीड से वो कूदेंगे तो मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जब मोमेंटम ज्यादा होगा तो अचानक जो है वो क्या हो जाएगा, जब वो स्पीड कम करेंगे तो एफ क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स उन पर ज्यादा लगेगा उनके पैरों पर और चोट लग जाएगी। इसीलिए अगर ये रेत पे कूदाए जाते हैं प्लेयर्स को, तो रेत पे देखिए ये बच्चे कूद रहे हैं, तो यहाँ पर अगर फर्श होती तो यहाँ पर गिरते तो उनको बहुत ज्यादा चोट लगती। तो अब ये फर्श पर जो है वो क्या है, कूद नहीं रहे, रेत पे कूद रहे हैं, तो यहाँ पर आने के बाद भी नीचे स्पीड जाकर जीरो, यहीं पर नहीं रुकेंगे, देखेंगे इनका पैर बहुत नीचे जाकर धसेंगे, ये यहाँ पर नहीं रहेंगे, बहुत नीचे इनका पैर रहेगा, यहाँ रहेगा। तो ये जो जब यहाँ तक पैर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनका वेलोसिटी यहाँ पर जीरो होगा, धीरे 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 जीरो होगा, इसका जो है वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ जाके जीरो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जब नीचे जाके जीरो होगा तो उनको चोट कम लगेगा, मतलब तुरंत जो है स्पीड जो है जीरो नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे स्पीड कम होनी चाहिए। यही देखिए बेटा, जैसे ये क्रिकेटर है बेटा, तो ये जैसे कि बॉल आ रही है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और क्रिकेट की जो बॉल है उसका मास भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये जब यहीं पर अगर रोक लेता है कैच बहुत दूर से आई हुई गेंद को, बहुत स्पीड वाली गेंद को, और यहीं पर आकर रोक लेगा, एकदम सीधा रखेगा हाथ को, तो उसका हाथ क्या हो जाएगा, इंजरीज करेगा, चोट लग जाएगा। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर पकड़ लेते हैं, पर उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि वो बहुत नीचे आकर गेंद रोकते हैं, मतलब स्पीड कम करते हैं, फिर अपने हाथ की धीरे 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 बॉल की स्पीड कम करते हैं और यहाँ रुकती है। यहाँ रुकने से क्या मतलब है बेटा, कि स्पीड यहाँ पर जीरो नहीं की गई, स्पीड यहाँ पर जीरो की गई, जिससे इनके हाथ पे क्या करते हैं, फोर्स कम लगता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी इज इक्वल टू एफ टी, तो ये क्या है, टी ज्यादा कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम लगेगा, टाइम जो है ज्यादा कर देंगे रोकने का तो क्या हो जाएगा, फोर्स कम लगेगा बेटा, क्योंकि P क्या है, इससे क्या पता चल रहा है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि M और V बराबर होता है M इंटू वी, P इज इक्वल टू होता है। तो अगर मास ज्यादा होगा तो उस वस्तु का भी मोमेंटम ज्यादा होगा, जितनी भारी गाड़ी होगी उसका मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि अगर आपको ट्रेन को रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा उसका फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर आपकी साइकिल है तो उसको रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी, ठीक है, वेलोसिटी के होता है, दिख ही रहा है कि अगर वेलोसिटी, इसीलिए कहा जाता है कि कम से हम चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, चोट कम लगेगी, मोमेंटम क्योंकि कम होगा। देखिए इसको हम दूसरी तरह से भी समझा रहे हैं, ये देखिए खिड़की है, खिड़की में जैसे हमने ऐसे ही आपको रफ डायग्राम बनाया है, यहाँ पर जैसे कि जाली लगी होती है, मच्छरदान है, जैसे आपने देखा होगा दरवाजे या खिड़कियों में एक जाली वाले दरवाजे लगे होते हैं, तो उसपे अगर छोटी छोटी बॉल जो बच्चे घर पे खेलते हैं जैसे प्लास्टिक की होती है, तो उससे बच्चे अक्सर मारते रहते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए बाउंस कर रहे हैं, बार बार इस पे मार रहे हैं, तो उससे क्या होता है, इस पे कोई भी चोट नहीं लगती है, क्योंकि तो इसका क्या है, स्पीड भी कम है और इसका क्या है बेटा, वेट भी कम है, तो इस पे क्या होता है, चोट नहीं लगता है और ये वैसे ही रहता है बेटा, ये तार जो है इसका, ठीक है, जाली। पर अगर इस पे बाहर से कोई गेंद बहुत दूर से क्रिकेट वाली आए, बहुत दूर से आए, ठीक है ना, इसी जाली पर, और बहुत दूर से आए, उसकी स्पीड क्या हो बेटा, बहुत हाई स्पीड हो, उसकी स्पीड क्या हो बेटा, बहुत हाई स्पीड हो, और गेंद भी क्या हो, बहुत बड़ी हो, क्या हो, बहुत ही वेट ज्यादा हो, मास ज्यादा हो, तो आप देखेंगे कि ये तार टूट जाएंगे, क्या होंगे, वो तार टूट जाएंगे, अगर स्पीड भी ज्यादा हो गेंद की और मास भी ज्यादा हो, बहुत दूर से वो गेंद आपके जो है खिड़की के जो जाली है उस पर लगेगी, तो वो जाली क्या हो जाएगी, टूट जाएगी या मुड़ जाएगी, तो यानी कि उस पर फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा, स्पीड भी ज्यादा है, मास भी ज्यादा है, वेलोसिटी और एम दोनों ही ज्यादा है, तो मोमेंटम उस गेंद का ज्यादा था, तो ज्यादा होने से क्या होगा बेटा, उसके जो तार क्या हो जाएंगे बेटा, मुड़ जाएंगे। और यही छोटी वाली गेंद से अगर आपने
जो जिसका मास भी कम है और घर में जो प्लास्टिक की गेंद से अगर खेला जा रहा है तो उससे क्या होगा बेटा, इसकी जाली पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि मोमेंटम जो है वो किससे ज्यादा होता है बेटा, हैवी मास और हैवी वेलोसिटी से, ठीक है। तो यही हमने आपको आज जो है क्या बताया है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताया है। आपको ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपको कोई भी जगह कोई भी प्रॉब्लम रही है तो आप जो है हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हम आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये साइंस पढ़ने में या मैथ्स जो भी आप पढ़ें और उसमें अगर आपकी प्रॉब्लम रह जाएगी तो धीरे धीरे उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट जो है कम हो जाता है। तो आप ज़रूर प्रॉब्लम पूछिए, ये हमारा जो है ये हमारा वर्क है कि हम उस प्रॉब्लम को क्या करें, सॉल्व करें बेटा। तो आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, पोटेंशियल मैथ्स की लिंक पर जाइए और क्लास टेंथ की और नाइन्थ की जितनी भी है, क्लास नाइन्थ टेंथ और एट की जितनी भी वीडियोस हैं मैथ्स और साइंस में बनी वो देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम ज़रूर कमेंट बॉक्स पे शेयर कीजिए। ओके बेटा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। बाय बेटा।